हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज फिर से लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप ट्यूटोरियल। यह वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है स्पेशली फॉर डस्की स्किन और डार्क स्किन के लिए है। यानी कि अगर आपका रंग सांवला है, कलर डार्क है, तो आप इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए मेकअप कर सकते हो और अपने हेयर स्टाइल और ड्रेसअप के हिसाब से इनको बिल्कुल अलग लुक देख सकते हो। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज का मेकअप शुरू करने के पहले सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर ले, ड्राई कर ले और अपने होंठ को मॉइस्चराइज करें। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा लिया अपने होंठों पे और उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थियोली का विटामिन सी सीरम लिया है और इसको पूरे फेस पे लगा लेंगे, जिससे हमारा फेस जो है बहुत ही देर तक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे NY का, हमारा NY बेई का मैंने कलर करेक्टर लिया है और जहाँ पे भी डार्क ज़्यादा सर्कल है, डार्क सर्कल है, पैचेज हैं, उसको लगा करके बहुत ही अच्छे से, जिससे हमारा जो है सारा कलर एक जैसा इवन हो जाएगा, तो वो लगा लेते हैं हम। और फिर यहाँ पे आप इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करें, जिससे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल भी इवन हो जाएगा पूरे स्किन में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने NY बेई का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छे से सेट करेंगे इसको, ताकि जब हम इसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स लगाएं वो इसके अंदर मर्ज नहीं हो, मिक्स नहीं हो। और उसके बाद बारी आती है हमारे फाउंडेशन के। तो मेन हमारा फाउंडेशन है तो NY बेई का हमारा ये फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन नहीं है ये जस्ट लाइक लिपस्टिक के जैसा ही है और ये बिल्कुल मेरे डार्क जो स्किन है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे से मैच होता है, तो वो हम पूरे फेस में लगा लेंगे और साथ के साथ ही गर्दन पे भी लगाना नहीं भूले, ताकि सब जगह एक जैसा स्किन टोन दिखे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और उसके बाद सेम फिर मैंने लिया है NY का बहुत ही अच्छा कंसीलर है हमारा, तो कंसीलर हम वही, अगर आपके पास ज़्यादा डार्क सर्कल है तो उसको हाइड करने के लिए, जैसे आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल है और जिस पार्ट को आपको थोड़ा हाईलाइट करना है वहाँ पे लगा ले कंसीलर। और फिर यहाँ पे हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, जिससे हमारा पूरा फेस जो है काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो। तो हाईलाइट के लिए सेंटर ऑफ फेस पे हम सबसे ज़्यादा लगाते हैं कंसीलर और इसको लगा के बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है कंटूर। कंटूर करेंगे NY बेई का हमारा सेम, हमारा फाउंडेशन कम कलर करेक्टर कम कंटूर होता है, तो सेम उसकी मदद से हम यहाँ पे कंटूरिंग करेंगे, जिससे हमारा फेस जो है बहुत ही अच्छे से शेप में दिखे। कंटूरिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा मोटा है, बल्गी है, डबल चीन बनती है, तो उसकी मदद से जो है हम काफ़ी अच्छे से अपने फेस को हाइड करते हैं, पतला दिखाते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है, कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से कंसीलर और फाउंडेशन वगैरह को बहुत ही अच्छे से सेट करेंगे। अब बारी आती है हमारे आईब्रो से। तो आईब्रो के लिए यहाँ पे मैंने आईब्रो वाला पेंसिल लिया है, NY का ही है और इसके काफ़ी अच्छे से हम जो है आईब्रो को फिल करेंगे। अगर आपका आईब्रो बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो बहुत ही अच्छे से मर्ज करें, फिल करें आईब्रो पेंसिल से। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह का ब्रश होता है, तो आईब्रो पेंसिल फिल करने के बाद इस तरह के ब्रश से काफ़ी अच्छे से मर्ज करना ना भूले, जिससे हमारा जो पेंसिल है बहुत ही अच्छे से आईब्रो में मर्ज हो जाए और बिल्कुल नेचुरल लुक दिखे। अब आती है हमारी हमारा जो कंसीलर है, जो पतला वाला ब्रश है होता है उसके अंदर, उसकी मदद से हम अपने आईब्रो को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, तो इस तरह से हम लगा लेंगे। और फिर इस तरह से आप जो है ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और शेप जो होता है इससे आईब्रो का बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस्तेमाल करने में, तो इसलिए मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से मर्ज करती हूँ। और फिर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ सेम NY का, उसकी मदद से बहुत ही अच्छे से इसको सेट करेंगे।
अब बारे आती है हमारे आई शेडो के लिए, तो यहाँ पे मैंने एले गर्ल का बहुत ही बढ़िया हमारा आई शेडो है, इसके अंदर 35 कलर है। तो सबसे पहला कलर मैंने लिया है ट्रांजिशन कलर, तो ये हल्का सा ऑरेंज ब्राउन बोल सकते हैं, वो लेकर के बहुत ही अच्छे से हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे। तो ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे आपको ब्लेंड करते हुए लगाना है, ब्लेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूले दोस्तों, जब तक आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करेंगे आपका जो इफेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए ब्लेंड करते हुए ही ट्रांजिशन कलर लगाएं। तो ट्रांजिशन कलर को और डार्क करने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ब्राउन शेड लिया हुआ है, तो यहाँ पे हल्का से पिंक दिख रहा है लेकिन ये ब्राउन कलर है, तो और भी डार्क करेंगे तो डार्क करने के लिए यहाँ पे जो हमारा क्रीज लाइन एरिया होता है उसको और भी अच्छे से डार्क करेंगे। तो सेम हमने ब्रश लिया हुआ है, ब्रश की मदद से जो है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करते हुए जो है क्रीज लाइन एरिया को बहुत ही अच्छे से डार्क करेंगे ब्लेंड करते हुए। तो ट्रांजिशन कलर हमने ऑलरेडी लगा लिया है, अब आ रही है बारी यहाँ पे हमने ब्लैक शेड लेना है इसमें से, और ब्लैक शेड जो है लगा करके लेकर के हमें जो है साइड जो आंखों का कॉर्नर वाला, और यहाँ पे मैंने फ्लैट वाला ब्रश लिया है, और फ्लैट वाले ब्रश की मदद से अभी हमें सिर्फ लगाना है, मैं इसको ब्लेंड बाद में करूँगी, तो जितना भी हमें चाहिए होगा उतना हम यहाँ पे ब्लैक शेड लेकर के इसको लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया हुआ है फ्यूशिया टाइप का कलर है ये, तो स्काई ब्लू भी आप इसको बोल सकते हैं, स्काई ब्लू कलर जो है यहाँ पे जो हमारा लीड वाला पार्ट होता है वहाँ पे लेकर के और फ्लैट ब्रश की मदद से इसको लगाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो बहुत ही अच्छे से हमारा लग चुका है, अब बारी आती है इसको ब्लेंड करने के लिए, तो ब्लेंड वाला जो हमारा इस तरह का ब्रश होता है, ब्लेंडर ब्रश जो होता है, तो उसको लेकर के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम ब्लेंड करेंगे दोनों कलर को, जिससे बिल्कुल ये नहीं लगे कि दोनों कलर अलग सा है, और एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाना है। तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है दोनों कलर, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिल्वर शेड है, ये हमारा जो है एक तरह से बहुत ही अच्छा ग्लिटरी शेड है, जिसको हम लगाएंगे आई लिड पे, यानी जो दोनों कलर जहाँ पे मर्ज हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से लगाएंगे। तो आई शेडो हमने फाइनली लगा लिया है, अब बारी आती है आई लाइनर लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लैकमे का लाइनर लिया हुआ है और उसको लगा लेंगे बहुत ही अच्छे से विंग बनाते हुए। I've been waiting for you. लाइनर लगाने के बाद यहाँ पे मस्कारा करेंगे, तो लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा हम ले लिए हैं और इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से अपने आंखों को मस्कारा करेंगे, और इसके बाद ही हम लगाएंगे फेक लैशेस। तो फेक लैशेस के लिए यहाँ पे मैं जो है चिमटे की मदद से बहुत ही अच्छे से फेक लैशेस लगाती हूँ, तो कैसे फेक लैशेस लगाते हैं इसका अलग से ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप जरूर देखिए। तो बहुत ही अच्छे से दोनों आंखों पे फेक लैशेस लगा लेंगे हम। अब बारी आती है हमारे लोअर लैशन पे, तो हमने सेम ट्रांजिशन कलर लोअर लैशन पे भी डालना है जो भी हमने ऊपर यूज किया था, तो सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लोअर लैशन पे लगा लेते हैं, और उसके बाद हमने लेना है ब्लैक शेड जो कि हमने इस साइड वाले कॉर्नर से लगाया था, तो वैसे ही सेम इस कॉर्नर पे भी हम ब्लैक शेडो लगा करके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और फिर जो लास्ट कलर होता है वो हमारा ब्लू कलर होता है, वो कि जो कि हम दूसरे साइड पे लगाएंगे। तो बस हमारा आंखों का फाइनल मेकअप हो चुका है, अब क्या होता है ये हमारा जो हाइलाइटर है इसी में से सेम हमने गोल्ड वाला शेड लिया है, और आई का जो कॉर्नर वाला होता है पार्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, और फिर जो आईब्रो के जस्ट नीचे है उसके नीचे हम लगा लेंगे बहुत ही अच्छा। अब बारी आती है काजल के, तो यहाँ पे मैंने बेला वोस्ता का बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का काजल लिया है, बहुत ही अच्छा काजल है, तो वो ले लेकर के और फिर काफ़ी अच्छे से हमारा जो लोअर लैशन है वाटर लाइन होता है वहाँ पे लगा लेंगे, और आंखों को थोड़ा क्लोज करके ज़रूर लगाएं ताकि ऊपर वाला जो वाटर लाइन होता है उसके ऊपर भी लग जाए। और उसके बाद लोअर लैशन पे भी हम इस तरह से मस्कारा लगा लेंगे, तो बस आंखों का लगभग फाइनल मेकअप हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो कॉम्पैक्ट पाउडर है पाउडर की मदद से काफ़ी अच्छे से एक बार इसको क्लीन करेंगे, अगर नीचे अगर किसी तरह का आई शेडो वगैरह गिरा होगा तो वो निकल आएगा,
और फिर यहाँ पे हमने लिया हुआ मैबलिन का बहुत ही अच्छा हमारा ये कॉन्टोर पाउडर है, तो हमने स्टार्टिंग में कॉन्टोरिंग किया था, तो उसको बहुत ही अच्छे से पाउडर से सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कलर बाल का मैंने ब्लश लिया है, तो ब्लश करके जो लगाने के लिए आप अपने फेस पे स्माइल रखें और ब्लश जो है काफी अच्छे से मर्ज करते हुए लगाएं। और फिर हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मैबलिन का मास्टर क्रोम बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, गोल्ड शेड है, तो गोल्ड शेड ले लेंगे यहाँ पे फैन ब्रश की मदद से जो है, और जहां जहां पे भी आपको हाईलाइट करना है अपने फेस को तो वहां वहां पे काफी अच्छे से हाइलाइटर कर ले। तो यहाँ पे जो है गालों के ऊपर जो है, नोज के ऊपर, फोरहेड, होठों के ऊपर, चिन के ऊपर, सभी जगह हाइलाइटर करना बिल्कुल जरूरी है, तो जरूर करें। और उसके बाद फिक्सर है यहाँ पे लॉरियल का इनफ्लेमेबल लॉरियल मेकअप फिक्सर है, तो काफी अच्छे से मेकअप को फिक्स करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एक बार इस तरह से कर ले। और फिर लास्ट में हम जो लगाएंगे लैक्मे सॉरी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा हमारा डार्लिंग आइसोबेला का बहुत ही अच्छा पिंक शेड का लिपस्टिक है, वो लगा लेते हैं बहुत ही अच्छे से अपने होठों पे। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक भी लगा लिया है, तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। आप इस तरह से जो है रेडी हो सकते हैं, गेटअप कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा भी पसंद हो उस तरह का आप गेटअप कर सकते हैं, उस तरह का ड्रेस पहन सकते हैं, उस तरह का ज्वेलरी पहन सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। तो बिल्कुल भी डार्क स्किन वाले, काले स्किन के जो लोग हैं बिल्कुल भी घबराए नहीं, अभी अच्छा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा प्रोडक्ट्स चाहिए, आपके स्किन के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तभी आपका मेकअप जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा, बिल्कुल अलग सा नहीं दिखेगा। और जो लोग हमेशा बोलेंगे फेस अलग लग रहा है, हाथ अलग लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा प्रोडक्ट्स अच्छे चूज करें ब्लैक स्किन वाले, तो आपका मेकअप जो है बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगेगा। तो बस आज का इतना ही ट्यूटोरियल था आप सभी के लिए, उम्मीद है आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आप सबसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।